लेकिन नू में यात्रा निकालने को लेकर वीएचपी के जॉइंट जनरल सेक्रेटरी सुरेंद्र जैन ने कहा है कि मेवात के लोगों का कहना यह है कि वो ये यात्रा पूरी करेंगे और इसके लिए हमने प्रशासन के सामने विकल्प रखा है। हालांकि इसका स्वरूप क्या होगा इसलिए हम बातचीत को तैयार हैं। जैन साहब, नूह के हालात जो है वो अभी भी समान नहीं हुए हैं। G20 समिट जो है वो आने वाली है, ऐसे में आप लोग ये यात्रा करने को वापस निकालने को क्यों आमादा हैं? G20 हो या वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था हो, दोनों मुद्दे हमारे लिए भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने सरकार के हैं। इन दोनों में व्यवधान न हो इसलिए हमने निर्णय लिया है यह यात्रा हम नहीं निकालेंगे। पूरे हरियाणा के लोगों को निमंत्रित नहीं किया है, मेवात के हिंदू समाज ने ही कहा है ये यात्रा हम निकालेंगे। अब मेवात के रहने वाले को कौन रोकेगा कि वो मंदिर में ना जाए? क्या उसको किसी परमिशन की जरूरत है? इसलिए मैं समझता हूँ श्रावण का आखिरी सोमवार हर एक हिंदू के लिए महत्वपूर्ण है और अपने संवैधानिक अधिकार का उपयोग करके मेवात के हिंदू उन तीनों मंदिरों में जाकर सामूहिक जलाभिषेक करेंगे। लेकिन नूह जिला प्रशासन ने तो जो है पहले से ही ये मनाही कर दी है किसी भी तरीके की कोई भी धार्मिक यात्रा जो है वो 28 अगस्त को नहीं निकाली जाएगी और इससे पहले ही वहाँ पर इंटरनेट पर पाबंदी है ताकि किसी तरीके की अफवाहें ना फैले। यात्रा के लिए इंटरनेट की जरूरत नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, वहीं के रहने वाले लोग हैं इसलिए उनको जाने पर वो कैसे रोक सकते हैं? संवेदनशीलता सबको ध्यान में है। और इस बार एक अच्छी बात क्या हो रही है, मुस्लिम समाज का ही एक बड़ा वर्ग आकर कह रहा है हम आपका स्वागत करेंगे। वो पहल कर रहे हैं दंगाइयों को पकड़ाने में भी। आपके पास भी कई खबरें आई होंगी कि वो गए और घर वालों ने ही पकड़कर उनको हवाले कर दिया पुलिस के। इसलिए मैं समझता हूँ इस बार की यात्रा एक नई शांति, नया सौहार्द, एक नया सह अस्तित्व, एक उदाहरण पूरे देश के सामने प्रस्तुत करें। आखिरी सवाल है कि अगर 28 तारीख को नूह जिला प्रशासन की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था और ज़्यादा बढ़ा दी गई है, जाती है पुलिस की बंदोबस्त और ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है और वो यात्रा निकालने की अनुमति 28 अगस्त तक भी नहीं देते हैं, तो क्या फिर भी आप लोग ज़बरदस्ती यात्रा निकालता हूँ कि पुलिस को बंदोबस्त और बढ़ाना चाहिए? जब बाहर से लोग जा ही नहीं रहे तो किनको रोकेंगे? क्या वहाँ के लोगों को? उन मंदिरों में जाने का उनका अधिकार नहीं है क्या? तो इसलिए मैं समझता हूं जब वहां के लोग कर रहे हैं तो पुलिस प्रशासन के पास केवल एक ही विकल्प है, उनकी सुरक्षा देना, उनको व्यवस्था प्रदान करना। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ ABP न्यूज पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे। ABP न्यूज आपको रखे आगे।